हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं अनबॉक्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं FND कंपनी के T60X टावर स्पीकर का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले इसकी सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। स्पीकर का मॉडल T60X एंड दो टावर स्पीकर दिए गए हैं इस सेट में। ब्लूटूथ 4.0 NFC वायरलेस माइक दिया गया है और LED डिस्प्ले है। यूनिवर्सल सीरियल बस USB कनेक्टर दिया गया है और FM रेडियो है इस स्पीकर में एंड रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। सुपीरियर साउंड क्वालिटी है इस स्पीकर की। स्मार्ट एंड एलिगेंट डिज़ाइन, इजी टू यूज़। और कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। पावरफुल ड्यूअल 8-inch सब वूफर इस ड्राइवर है। इसका सब वूफर जो है 8-inch का है। एंड टच एंड प्ले योर म्यूजिक, प्लग एंड प्ले द म्यूजिक, स्टोर अप टू 100 चैनल्स एंड हसल फ्री कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। और 21 kg का ये स्पीकर है। और ये इसका अदर साइड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,000 watt का PMPO है और ब्लैक कलर का ये टावर स्पीकर है। आप यहाँ देख सकते हैं नेट क्वान्टिटी क्या क्या मिलेगी इस बॉक्स के अंदर। दो नंबर ऑफ स्पीकर्स, एक मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, 3 केबल मिलती है, एक रिमोट मिलता है, 2 बैटरी मिलती है और एक वायरलेस माइक्रोफोन मिलता है। और इसकी MRP है 14,990 rupees। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और आज मेरी मदर मिस्टर श्रवण करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग में। और यहाँ आप देख सकते हैं एक बॉक्स मिला है, वो वायरलेस माइक्रोफोन है। इट मीन्स माइक इसके अंदर। मैं दिखाऊंगा वन बाई वन आपको क्या है इसके अंदर। थर्मोकोल से कम्प्लीटली पैक्ड। और ये दो यूनिट स्पीकर है। तो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और सामने आप देख सकते हैं दो टावर स्पीकर है। जो कार्टन मिला था छोटा सा, उसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद क्या क्या इससे सीरीज मिली हमें। एक रिमोट है, ये वायरलेस माइक है एंड दिस इज़ यूज़र मैनुअल। तो मेक श्योर कि आप इसी यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें और ये आपको हेल्प करेगी इस स्पीकर को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में, उसे ऑपरेट करने में। ये बैटरी है जो इस रिमोट में लगेगी। तो आप लुकिंग गुड, क्वालिटी इसकी अच्छी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी ऑन, म्यूट एंड ऑफ। तो मेक श्योर कि जिस भी शॉप से इसे आप परचेज करें, वहाँ के रिटेल आउटलेट की सारी डिटेल्स इस जगह पे फिल करवा लें। ये आपको हेल्प करेगी वारंटी को कवर करने में, जब भी आपके स्पीकर में कोई इशू आ जाए। और यहाँ पे थ्री सेट ऑफ वायर्स आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या यूज़ है इसका। बेसिकली ये वायर जो है वो दोनों स्पीकर को सीरीज करने के लिए यूज़ होगा। आप मैं बता दूंगा कि कैसे इसे कनेक्ट करना है। एंड ये जो एक इंच पे जो दो सॉकेट है, एक पे एक, ये मोबाइल से इस स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए है। एंड दिस इज़ दो ऑडियो आप देख सकते हैं, आपके सेट ऑफ बॉक्स या अपने टीवी से इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए, आप क्विकली स्पीकर को क्लोजली देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स जानना जरूरी है स्पीकर को चलाने से पहले। इस स्पीकर का डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट है और देखने में खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। मैं क्लोजली दिखाता हूँ आपको इस स्पीकर को। और इसके ऊपर एक स्टिकर आप देख सकते हैं। ये यूजुअली मैंने इसे कवर कर लिया है बॉक्स के ऊपर। FM, USB एंड NFC वगैरह जो डिटेल दी गई है। पहले मैं आपको कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ स्पीकर्स का। ये एक स्पीकर है एंड दिस इज सेकंड स्पीकर। और 8-inch का सब वूफर दिया गया है इस स्पीकर में। और ये कंप्लीट वुड का बना हुआ है। और इस स्पीकर में, एक स्पीकर में आप यहाँ पे कुछ सॉकेट और कुछ बटन्स देख रहे हैं। मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं इस बटन्स को और नॉब्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सॉकेट दिए गए हैं। बेसिकली ये दो माइक के लिए सॉकेट हैं, और माइक 1, माइक 2 एंड दिस नॉब इज़ फॉर 1 इज़ फॉर माइक वॉल्यूम
एंड दिस वन इज फॉर माई इको, और ये यूएसबी पेन ड्राइव आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पावर बटन है, दिस इज़ पावर बटन, दिस इज़ ब्लूटूथ बटन, इसे प्रेस करना पड़ेगा आपको। ये सोर्स है, ये प्ले पॉज एंड स्कैन, एंड दिस इज़ फॉर नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए है। आपको और दिखाता हूँ कि इस स्पीकर के पीछे कौन कौन से सॉकेट दिए गए हैं। एंड ये वायर आप यहाँ देख सकते हैं, ये वायर बेसिकली FM का वायर है। और यहाँ पे आप पावर केबल देख सकते हैं इस स्पीकर का, ये पावर केबल है। और पीछे भी बहुत सारी सॉकेट्स दी गई है, मैं वन बाय वन आपको बता दूँ। और ये दोनों ऑडियो इनपुट है, एंड दिस इज पावर ऑन एंड ऑफ ये बटन। और ये जो दो सॉकेट दिया गया है आप इसे देख सकते हैं, ऑडियो आउटपुट है। बेसिकली मैंने आपको बताया था ये दोनों को सीरीज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम सॉकेट आप देख सकते हैं, और इस स्पीकर में भी दो सॉकेट है। मैं क्विकली दिखाता हूँ कि कैसे सीरीज करना है और दोनों को कनेक्ट करना है। ये वायर जो है सो इसमें कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड टिप लगा है, रेड वाला मीन्स इसमें आप कनेक्ट करना होगा रेड में, और ये दूसरा इंड वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। आप इसमें इन करके ऐसे जस्ट प्रेस कर दें, ये लॉक हो जाएगा, और सेम विल गो विद दिस टू। यहाँ पे आपको प्रेस करके तब इंसर्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आप इसे प्रेस करें फिर इंसर्ट कर दें। और यहाँ आप देख सकते हैं नाउ बोथ स्पीकर्स आर कनेक्टेड। फ्रेंड्स मैंने पावर कनेक्ट कर दिया है, सो क्विकली स्विच ऑन करता हूँ मैं इस स्पीकर को, और आप देख सकते हैं कि LED यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि रिमोट में क्या क्या बटन्स दी गई है। ये अप एंड डाउन बटन है, ये वॉल्यूम डाउन बटन, ये वॉल्यूम अप बटन, ये फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए है, बीच का बटन ओके बटन है, ये पावर बटन है, ये म्यूट बटन टॉप राइट, एंड यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट प्ले पॉज, और बेस को अगर माइनस प्लस करना है आपको तो ये बेस माइनस होगा इस बटन से और प्लस ये होगा, एंड ट्यून है, ये ट्यून प्लस माइनस मीन्स अगर आपको FM चलाना हो तो आप इसे चला सकते हैं। ये चैनल प्लस माइनस है, जब मिक्स कर देते हैं आप वॉल्यूम को तो आप इसके थ्रू प्लस माइनस कर सकते हैं। ये स्कैन करने के लिए है, और ये MM है, और रीसेट बटन है ये। और सबसे पहले मैं आपको माइक कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बैटरी आप इस तरह से इंसर्ट करें, और मैंने बैटरी इंसर्ट कर ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर इसे आप लॉक कर लें। और ये आप ऑफ में है, अभी आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो आपको इसे सबसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये ऑन है। पीछे ब्लूटूथ पे आप कनेक्ट कर दें, आप देख सकते हैं BT15 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने उसे मूव कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसे ऑन करके। ये ऑन कर दिया मैंने, और मैं चेक, हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हैं कि ये इको हो रहा है साउंड। मैंने स्पीकर का साउंड इंक्रीज कर दिया है, तो फ्रेंड्स आप इसका साउंड देख सकते हैं, साउंड अच्छा खासा है। तो आई थिंक अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि माइक से भी वायरलेस माइक के थ्रू आप इसे यूज़ करें तो दिस विल सर्व योर पर्पस। साउंड क्वालिटी अच्छी है। फ्रेंड्स मैं क्विक डेमो देने जा रहा हूँ, जस्ट USB से कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉन्ग्स को प्ले करना है। मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया है इस स्पीकर में, एंड क्विकली मैं चेक करूँगा। इस स्पीकर को आप मल्टीपल डिवाइसेस से चला सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है इस स्पीकर में, मोबाइल के थ्रू आप विथ कॉर्ड ऑल्सो यू कैन प्ले द सॉन्ग्स विद दिस वायर। फिर आप सेटअप बॉक्स वगैरह या अपने TV से भी आप आउटपुट ले सकते हैं, एंड पेन ड्राइव से भी आप इस स्पीकर को चला सकते हैं। तो मैंने अभी पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद आपको आइदर आप रिमोट से अभी इसे सोर्स या फिर इसे सोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बटन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे सोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप बटन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमोट से सेलेक्ट करने के लिए आपको इस बटन का यूज़ करना पड़ेगा, ये सोर्स बटन है। एंड आप देखिए कि आप जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो USB वहाँ पे सेलेक्ट चंद्रमंडलों को लज्जित करने वाली। तो आप साउंड देख सकते हैं, अभी मैक्स पे था इसीलिए बहुत ज्यादा आवाज था, अभी मैंने कम किया इसके साउंड को।
वॉल्यूम अप एंड डाउन आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए आप इस फॉरवर्ड कर लिया, अगर फॉरवर्ड करना है तो आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बेस भी कम कर सकते हैं आप इसके थ्रू। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी टावर स्पीकर लेने के लिए तो डेफिनेटली दिस इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर यू। बहुत सारी कंपनीज का टावर स्पीकर आता है मार्केट में, जेब्रोनिक्स, इंटेक्स, FND, और जो ब्रांड ए कंपनीज है सोनी वगैरह और फिलिप्स वगैरह की टावर स्पीकर बहुत महंगी आती है। तो ये दो स्पीकर आपको कम बजट में मिल जाएगा और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने स्विच ऑफ कर दिया इसे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा सॉन्ग्स को नहीं चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग और डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करूं, बट ये वीडियो तब भी लंबी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो की डेमोंस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप अपने कमेंट्स मुझे दें, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाकर मैं अपने व्यूअर्स के पास पहुंचाऊं उसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ये स्पीकर्स खरीदना चाहते हो। और कोई भी डाउट्स, अगर कोई भी क्लियर